सबसे मेजर डिसऑर्डर जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आता है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इनफैक्ट इनिशियली या प्रीवियसली आप इसे मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते होंगे, लेकिन DSM-5 के अंदर इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का टाइटल दिया गया है. बेसिकली इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के अंदर डिफिसिट्स इन जनरल मेंटल एबिलिटीज होते हैं. और वो मेंटल एबिलिटीज क्या हैं आपकी, मतलब जो हायर मेंटल प्रोसेसेस हैं उनके अंदर प्रॉब्लम देखने में आती है. रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. एंड इफ यू रिमेंबर ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो हैं वो रिफर करते हैं टू वन कंस्ट्रक्ट विच इज नोन एज इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. तो आपके इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए यूजुअली इंटेलिजेंस टेस्ट का सहारा लिया जाता है और उसके बाद एस्टेब्लिश किया जाता है कि वेदर द पर्सन वुड बी डायग्नोज्ड एज फुलफिल दिस फीचर और नॉट. तो ये मेंटल एबिलिटीज जो है अगर किसी के अंदर पर्टिकुलरली बच्चों के अंदर ऑफ कोर्स अगर वो डिफिसिट नजर आए तो पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इट. एंड देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो दूसरा फीचर है वो ये कि ऑफ कोर्स ये हर एक डिसऑर्डर का फीचर है. जब तक वो आपकी फंक्शनिंग के अंदर एम्पेयरमेंट नहीं लाता तब तक आप उसे डिसऑर्डर नहीं समझते. तो पहला एस्पेक्ट जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो है मेंटल कैपेबिलिटीज और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. सेकेंड वन इज रिजल्ट दैट ऑल दोज मेंटल इफेक्ट ऑन मेंटल डिसेबिलिटीज और फंक्शनिंग दैट रिजल्ट इन एम्पेयरमेंट ऑफ अडेप्टिव फंक्शनिंग. कि बच्चा जो है वो अपने जो डे टू डे बेसिस के ऊपर फंक्शन हैं रिलेटिव टू उसकी जो एज है वो नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल खाना खाना, कपड़े बदलना, शू लेसेस बंद करना, ये बहुत सी छोटी छोटी एबिलिटीज होती हैं एक बच्चे की जो अपनी एज के मुताबिक वो ग्रो करता है और उसके साथ साथ वो एक्वायर करता है. सोशल स्किल्स हैं, ग्रीट करना किसी को, सोशलाइज करना. तो ये सारा जो है वो इन सारे जो डिफिसिट्स हैं वो उस बच्चे में नजर आते हैं. और द इंडिविजुअल फेल्स टू मीट स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वन और मोर aspects of daily life. So if the person has intellectual disability then he has intellectual dysfunctioning means uska intelligence level ke andar problem hoga aur mental processes jinki abhi humne baat ki uske andar aapko problem nazar aayegi. Dusra ye ki uski adaptive functioning ke andar issue aayega. Aur teesra ye ki agar wo apni jo independently ek bachcha apni certain age ke andar jo activities karta hai वो उन एक्टिविटीज को कैरी आउट नहीं कर सकेगा या उसके अंदर उसको प्रॉब्लम नजर आएंगे. ये जो डेली लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको उसके प्रॉब्लम्स नजर आएंगे जो वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, दे इंक्लूड कम्युनिकेशन, बातचीत, गुफ्तगू दूसरों के साथ, सोशल पार्टिसिपेशन, मेल जो लाइक किसी लोगों के साथ सोशलाइज करना, मिलना, ग्रीट करना, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग. स्कूल में जब वो दाखिल होता है तो आपको पता चल जाता है कि उसकी जो डिसेबिलिटीज हैं वो सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं कि वो अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज को उस एक नॉर्मल बच्चे के मुकाबले में थोड़ा सा स्लो होता है या करने में उसे मुश्किलात आती हैं. और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, देन पर्सनल इंडिपेंडेंस एट होम और इन कम्युनिटी सेटिंग्स कि उसकी जो पर्सनल हर बच्चा जो है वो कहता है कि मैं खुद करूं, मैं एक सर्टन लेवल तक उसको इंडिपेंडेंस चाहिए होती है. ये बच्चा जो है वो घर में, कम्युनिटी में या मुख्तलिफ जो सेटिंग्स हैं उनके अंदर अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन नहीं रख पाता या इंडिपेंडेंटली आप उसको छोड़ नहीं सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को या बच्चे पार्क्स में जा सकते हैं या इंडिपेंडेंटली छोटे छोटे घर में भी काम कर सकते हैं. ये इन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है. ऑनसेट इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का और डिसेबिलिटी का जाहिर है क्योंकि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो ये चाइल्डहुड में ही मेनली होता है और इंक्लूड बोथ इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग डिफिसिट्स इन कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल डोमेन्स. तो ये जितने सारे डोमेन्स हैं जिसमें आपके पहले भी बात हुई कि अडेप्टिव फंक्शनिंग का इशू आएगा, डिफिसिट्स होंगे उनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे, उनको आपको मेहनत करनी पड़ेगी निस्बतन दूसरे बच्चों के. सोशल एंड प्रैक्टिकल डोमेन के अंदर मतलब अमली लिहाज से भी वो चीजों को कैरी आउट नहीं कर सकेगा जैसे एक उनके हम उम्र बच्चे कर सकते हैं.